भाई महेंद्र जी साहू से अनुरोध करता हूँ बयान। देखिए आपने कवि सम्मेलन काफ़ी सुने होंगे, थोड़ी सी इसकी आवाज़ सुनिए। कवि सम्मेलन में और साहित्यिक कवि सम्मेलन में थोड़ा सा फर्क होता है। फर्क ये होता है कि व्यापारिक चुटकुलों से परे कोई सांस्कृतिक बात कही जाती है, जो केवल प्रश्नधर्मिता के आधार पर ही टिकी हुई हो, जिस बात को सुनने के लिए और समझने के लिए आप जैसे प्रबुद्ध श्रोता विराजमान हो, तो हर व्यक्ति की यही अभिलाषा होती है कि वो काव्य के मंचों से उतर कर और श्रेष्ठ लेखन के माध्यम से जो बात लिखनी चाहिए, क्योंकि कहा कहीं स्वर्गीय उर्मिलेश ने कहा कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे जो सही है वो बात बोलेंगे। और साहिबों हम कलम के बेटे हैं, साहिबों हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। तो श्रेष्ठ लेखन आपको सुनने को मिले, आप उसी शिद्दत के साथ में सुने और सराहें। सबसे पहले कवि के रूप में, रचनाकार के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं भाई महेंद्र जी साहू को, वे आए और अपने रचना पाठ के माध्यम से आज के हमारे इस काव्य संध्या की शुरुआत करें। कृष्णा जी के सम्मान में, स्मृति में यह काव्य संध्या रखी गई है। मैं आगे से अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ। नामनाथ जी की एक घनश्याम की है, कृष्णावत की है। घनश्याम कृष्ण, कृष्णा आ मैंने आदि से पंत कर, घनश्याम हमेशा आदि से पंत कर रहता है और कृष्णा के साथ में आ के साथ एक वर्ग को लगा वर्ग का मतलब होता है संघर्ष तुलनात्मक। ऐसे व्यक्ति के स्मृति में हम आज कार्यक्रम रख रहे हैं, तो आदि से अंत तक हमारे हृदय में तब तक विराजमान रहेंगे जब तक ये पीढ़ी इस कार्यक्रम को निरंतर भाग्य से आगे चलाती रहेगी। समय नहीं मिला, जगह जी पहले ही सूचना देती है अपने आप में राज परिवार के पूरा का पूरा ही। तो मैं हिंदू सूरज महाराणा प्रताप जी से चार मंत्रों से फिर अपने शुरू करूंगा कि धर्म जात पक्षपात सेव पर प्रताप है। सेव पर प्रताप है, मानवीय व्यक्तित्व की पूर्णता प्रताप है, दिव्य सुख धर्म जात सेव पर प्रताप है, मानवीय व्यक्तित्व की दिव्य मानवीय व्यक्तित्व की पूर्णता प्रताप है। क्या सोचता है और क्या सोच के समाज सेवा करता है, एक एक पंक्ति में देखना। एक समाज सेवा का दिन क्या कहता है, वो दिन जो है आपके सामने रखना।